ये पिकनिक करन आए हुए ने, ये सवाल तो जी चंगा जी तुम उन्होंने पूछो। ₹70 सी इन्हां दे अंकड़े लखां दी गिणती कहिंदे जी सरकारी तौर ते है उदों कई गुणा वध खुदकुशियां इस करके तां नूं रोहा बंद करना चाहीदा सीगा जे लोकां नाल कोई भी हमदर्दी हुंदी इस करके जिहड़ा कोई सरकारां ते जांदे है उन्होंने कारपोरेट घराणियां दी हमदर्दी है लोगों की हमदर्दी नहीं हुण 47 तों लैके हुण तक जिन्नियां सरकारां आईं एक सिमरत जी राणी का बयान आ रहा कि 40 लाख किसानों नूं असीं 6-6 हज़ार रुपया भेजा उन्होंने अकाउंट में तो 90 लाख किसान इस वेले काम खेतों कर रहे अपने घर बैठा ये जिन्हें भी इतने 1-2 लाख किसान आ के बैठे आ कांग्रेस के स्पोंसर्ड जिहड़े उत्तों भेजे हुए किसान बैठे ये बारे थोड़ा की कहना है। देखो तो एक तो उन्होंने फैसला करना भी है कि ने वो बहुत कुछ कहते हैं नक्सली कहते हैं खब्बे पखीए कहते हैं विरोधी धिर दे उसकाए कहते हैं खालिस्तानी कहते हैं विचोलिया वाले कहते हैं हुण उन्होंने पक्का स्पष्टता करना है कि ने तो फिर असी उहदे हिसाब नाल जवाब देवांगे है कि है तो यह तो राजनीति विच अंदोलन नूं बदनाम कर ली जो कुछ ना कुछ लगातार संयोन तक तो भाजपा की एक नीति रही है लगातार वो ये अटैक करती रही अंदोलन से तो यह नीति तहत ही बयान आ रहे हैं तो जिहड़ा वो कहिंदे ने असीं इन्ने पैसे पाउणे ये भी पिछले 2-3 सालों तो चलता आ रहा वा तो वो सिर्फ अंदोलन का ध्यान जिहड़ा प्रचार माध्यमां च कन्वर्ट दूजे बन्ने कर ली ये चीज़ां कहते रहते हैं यदा कोई अर्थ नहीं है। मैं राहत साहब जिस तरह उस दिन अमित शाह ने मीटिंग सदी तो थोड़ी जथेबंदी उस सदा नहीं भेजा कोई इदा तो आप जथेबंदियों रल के कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया कि पता लग जाए भी सारे जथेबंदियों स्नेहा आ चुका ता कि कोई पट उधाड़ वाला जो माहौल इदा का ना बने साडा तालमेल है उन्होंने जे कि माड़े मोटे फर्क रह जाने कई बार अंदरले मसले है विचार लेने होंने असी उन्होंने साडा तालमेल रहने तालमेल करने की कोशिश करते हैं आपका जे कोई इस किस्म की गल होंदी है जिवें सानू भी पहला अमित शाह का फोन आया असीं अपनी जथेबंदी विचारिया उन्होंने भी दस्या वो कोई नहीं गल यही हो जाती है कोई फर्क वाली गल है नहीं असीं जानी इकट्ठे हैं सारे एक आवाज़ है सारे लड़ रहे हैं अपने तरीके मोर्चे मले हुए हैं सारे दिल्ली आए हुए हैं कानूनों के खिलाफ आए हुए हैं तो कोई गल नहीं है कोई फर्क माड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास थोड़ा मकसद से हूँ मतलब कि तुम्हारे आपस के दोनों पास जो स्टेजा साझिया हो साडा पहला भी बेहतर तालमेल है असीं बहुत लंबे समय तो संघर्ष लड़ रहे हैं दूजे नाल हूँ दूजे नाल भी तालमेल चल रहा साडा आपस वास्ते बेहतर तालमेल की खातर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपका एक दूजे नाल असीं सरदार जगिंदर सिंह अग्राहा नूं सिंघू बार्डर वाली स्टेज पर कदों देखांगे। देखो जी आ गल कोई आ जाती है ना भी कौन कि स्टेज पर है साढ़िया इतने कलिया ग्राहे 7 स्टेजा लगदी हैं जी ये मतलब ग्राह वाली जथेबंदी 7 थां ते होगी जो हूँ भी असीं इत्थे बैठे हैं सारिया जथेबंदियां जे पंजाब च कहना होवे सैकड़े थां बैठी हैं एक एक जथेबंदी असीं पंजाब च 42 थां ते बैठे हाँ यदा मतलब कि असीं पंजाब च 42 थां ही हो गए जां सारिया रल के 100-200 ते बैठी हाँ कि सारिया जथेबंदियां ऐ पड़ के 100-200 ते हो गई जाने की कोई भुल जिहड़ा अंदोलन च किवें चलता है एक स्टेज पर सारिया की जो कहे भी एक स्टेज सांझी लग जू ये उम्मी संभव है ही नहीं मैं तेना तुहाडे सवाल का कल तुसीं मैनूं जे देखना चाहुंदा तां मतलब कुंडली ते देख लो भाजी होरां दी स्टेज ते उत्थे मैं दिखूंगा तुहानूं क्योंकि कल नूं साडी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उत्थे असीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहलां जावांगे टाइम कढ के जावांगे इहनां दी स्टेज ते असीं जरूर बोलांगे जे तुसीं वखरा कुछ देखना चाहुंदे हो वो दिखा देंगे कल नहीं पर फिर एक टाइम निश्चित होया सर ग्राहक का टाइम सिंघू वाली स्टेज तो भी बचा कर सिंघू वाली उत्थे देखो जी सिंघू वाली स्टेज है असं अज तक मतलब उन्होंने कदे ना उन्हें मंग की है ना असी कदे जबरी जाने की कोशिश की जो वो मंग करते हैं भी तुम साडी स्टेज तो बोलो फिर तो बेचारी जा सकती है हुण तुसीं सानूं बुलाउंदे तां है नहीं मतलब ये भी उन्होंने मंग नहीं की ये नहीं भी उन्होंने भावनावां च कोई फर्क होगा सानूं नहीं शक है लगता उन्होंने जथेबंदियों के पहली उन्होंने गिणती बड़ी है उन्होंने को टाइम टू की समस्या हो सकती है कोई मजबूरी होर हो सकती है ऊँ साडा चल रहा उन्होंने गलबात का रुझान चल रहा चारे पासों इधर भाजी होरां दा भी चलाया हुआ साडा आपस में भी चलता है सारे पास असी ये तालमेल तो बना चाहते हैं भी कोई इस तरह का कोई बखरेमे वाली गल ना दिखे ऊँ चोट निशाने तो बचे सारे कानूनों का रल के विरोध करिए ये सारी एकजुटता साड़ी हैगी है जी घट्टो घट प्रोग्राम से सहमति साड़ी हैगी है बाकी छोटिया मोटिया गलों तालमेल चलता साडा जिन्हें जा
ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਘੇਰਾ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਲੈਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਪਲੈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ 30-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪੋਸੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲੜਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ, ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ NRA ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ GNO ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਐਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ 'ਤੇ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਉੱਪੜਨਾ ਉੱਪੜਨਾ ਔਖਾ ਉਸਦਾ, ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਖੁੱਲ ਦੇਲ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂ, ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਆਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੜੋ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ। ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ 3 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।